याया सिनवार मारा जा चुका है। दुनिया को उम्मीद है कि एक साल की तबाही के बाद गाजा में सीज फायर करीब है। अमेरिका के युद्ध विराम के लिए कतर और सऊदी अरब से बात करनी शुरू कर दी है। बाइडेन को यकीन है कि गाजा में शांति के लिए ये सही वक्त है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक गाजा से सभी बंधक सुरक्षित वापस नहीं लौट आते तब तक आईडीएफ के हमले नहीं रुकेंगे। वहीं हमास अब भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि सिनवार की मौत के बाद गाजा में युद्ध विराम होगा या रक्तपात। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया को उम्मीद है गाजा में होती ये बमबारी अब थम सकती है। दुनिया को उम्मीद है गाजा में तबाही मचाते इजरायली टैंक अब वापस लौट सकते हैं। दुनिया को उम्मीद है बीते एक साल से जारी गाजा की जंग अब खत्म हो सकती है। याया सिनवार वो शख्स था जिसने 7 अक्टूबर को हुए ऑपरेशन अलक्सा की पूरी प्लानिंग की थी, जिसे मारकर इसराइल ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को लगता है कि आखिरकार गाजा में सीज फायर करीब है और इसकी कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का जिम्मा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपा है। एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊदी से फोन पर बात की। ब्लिंकन की दोनों से याया सिनवार और गाजा में सीज फायर पर चर्चा हुई। एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सीज फायर के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। उन्होंने हमास की बची हुई लीडरशिप से इस पर बात करने के लिए कहा है। अमेरिका सीज फायर की कोशिश में लगा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा पेच उन 101 बंधकों पर अड़ा है जो अब भी हमास लड़ाकों की कैद में है, और उनकी आजादी तक बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। याया सिनवार की मौत के बाद उन्होंने साफ कहा है कि यह अंत की शुरुआत है। बेंजामिन के मैसेज से साफ है अभी ये जंग जारी रहेगी, लेकिन सवाल है कब तक। इसका जवाब भी नेतन्याहू के मैसेज में ही छिपा है। दरअसल 7 अक्टूबर के दिन हमास लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से 105 बंधकों को हमास ने फिलिस्तीनी कैदियों के बदले छोड़ा था। 8 बंधकों को आईडीएफ ने हमास की सुरंग से जिंदा बचाया। 37 लोग हमास की सुरंगों में मारे जा चुके हैं, जबकि 101 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। अब इजरायली प्रधानमंत्री को इन्हीं बंधकों की तलाश है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक 101 बंधक सुरक्षित वापस नहीं आते गाजा में इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद है कि अब याहिया सिनवार की मौत के बाद हमास लड़ाकों के हौसले टूट चुके हैं। वहीं गाजा के बाशिंदों की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में वो बंधकों को इजराइल लेकर आने वालों को जिंदगी बख्शने का ऑफर दे रहे हैं। नेतन्याहू ही नहीं, दुनिया भर के लीडर्स याहिया सिनवार की मौत को हमास के खात्मे से जोड़कर देख रहे हैं और इसे इजराइल की बड़ी जीत बता रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा, इसराइल के लिए वैसे ही दिन है जैसा 2011 में लादेन की मौत के बाद अमेरिका के लिए था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, बर्बादी की वजह सिनवार था, हम सभी बंधकों की रिहाई की मांग करते हैं। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा, अगर उसकी मौत हो गई है
तो मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। दरअसल नेतन्याहू और पश्चिमी मुल्कों को लगता था कि ऑपरेशन अल अक्सा का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही बंधकों की रिहाई और सीज़फ़ायर का सबसे बड़ा कांटा है, जिसके निकलने के बाद उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमास की तरफ से बंधकों को लेकर आगे बात कौन करेगा, या हमास की लीडरशिप आगे कौन संभालेगा? इसमें टॉप पर खालिद मशाल का नाम है, जो पहले भी हमास चीफ की कुर्सी संभाल चुके हैं। दूसरा नाम है खलील अल हया, जो गाजा में हमास के डिप्टी कमांडर है। लिस्ट में तीसरा नाम मौसा अबू मरजोक का है, जो हमास की पॉलिटिकल विंग के सदस्य हैं। लिस्ट में चौथा नाम अबू उबैदा का है, जो हमास का प्रवक्ता है। माना जा रहा है कि गाजा में हमास की लीडरशिप अब इन्हीं में से किसी एक शख्स के पास जा सकती है। हालांकि फाइनल नाम पर मोहर लगने तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि हमास इतनी जल्दी इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा।